हेलो, गुड मॉर्निंग। कहो कैसे हो? और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है फ्रिज पे। तो ये देखिए, फ्रिज की साइड से किनारी आ रही थोड़ा सा। तो मैं जस्ट अभी उठ करके आई हूँ सो करके, क्योंकि कल हम लोग गए थे बारात में, शादी थी हमारे रिलेटिव में, तो वहीं गए थे। शादी से आए हैं 1:30 बजे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ, और बारात वगैरह में जाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग आए थे 1:30 बजे, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया उठने में भी, और नींद मुझे अभी भी लगी हुई है। लेकिन अब नहीं सोएंगे, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो और गुनगुन और पलक अभी सो रही है, मैं जूड़ा लगा लेती हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है, और गर्मी बहुत ही पड़ रही। मैं वहाँ गई थी, वहाँ से आ करके मुझे इतनी गर्मी लगी, फिर मैंने नहाया, क्योंकि मैं 1:30 बजे फिर नहाई, इतनी गर्मी लग रही थी। गुनगुन और पलक अभी सो रहे हैं, अब जा रहे हैं उनको जगाएंगे, और इसके बाद फिर लगाएंगे झाड़ू वगैरह, और फिर देखो क्या क्या काम करते हैं, तो जो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे वो शेयर कर देंगे। और अभी मेरी तबीयत खूब नहीं ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आवाज़ से ही लग रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे गले में दर्द होता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती है, इतना दर्द होता है। और इसके बाद पौधों में पानी भी, जो हमने छोटे छोटे से पौधे रखे हैं, तो एक मैंने प्लांट मंगाया था शॉपसी से, बहुत छोटा आया, तो आप लोगों को अभी दिखाएंगे कि प्लांट मैंने कैसा मंगाया है। तो पहले गुनगुन और पलक को जगा देते हैं, इसके बाद बनाएंगे चाय वगैरह। तो चलो फिर ले चलते हैं पौधों में पानी डालने के लिए। तो यहाँ पर चिप्स हमारे भुजकर रेडी हो चुके हैं, तो हमने चिप्स भुजा है, चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा हमने चिप्स भुजा था तो चाय हमारी ठंडी हो गई है, तो इसको थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं, दे देते हैं बच्चों को भी छान कर। और ये लिए हैं हमने आम, तो आम का अचार डालेंगे, और हमने अचार डाला भी था थोड़ा सा, जब पापा हमारे आए थे तभी आम लेकर के आए थे तो डाला था। गुनगुन अपने हाथ उठाओ, तो गुनगुन हाथ रखी हैं, और ये देखिए, तो ये कुछ हमने पानी में डाल दिया, इतना छोटा छोटा सा है आम, तो थोड़ा सा और रख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने रखा था। और यहाँ पर हमने ये सब्जी ली, कद्दू है और खीरा, आजकल खीरा अच्छा नहीं आ रहा, तो देखिए कितना छोटा छोटा सा, ये दरवाजे पे आया था तो हमने ले लिया है। तो यहाँ पर छान लेते हैं चाय, और आइए आप लोग भी पी लीजिए आ करके। और गुनगुन चाय नहीं ज़्यादा पीती हैं। तो ये सारे बिस्तर अभी ऊपर से लेकर के आए हैं, क्योंकि पड़े थे तो इनको हम तय लगा करके रख देंगे जा करके, और इन्हें रखेंगे जा करके पीछे उठाकर, तो हमने तय लगा दिया है, इसके बाद चद्दर वगैरह ठीक करेंगे। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसका चेंज कर दिया है पानी, और अब ये मनी प्लांट है तो इसमें भी डाल देते हैं, और इसका पानी मैंने निकाल दिया था, तो ये मनी प्लांट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, और इसको अलग से ही मरेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा इसमें डाल देते हैं, तो ये मैंने पानी डाल दिया है इसमें, इसको यहाँ रख देंगे। और एक ये प्लांट हमने लिया था, तो ये हमने मंगाया शॉपसी से, और इस प्लांट को बोलते हैं जरेजा का प्लांट, तो बहुत छोटा आया था, मैंने देखा तो उसमें बहुत काफ़ी बड़ा दिखा रहे थे, लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ तो बहुत ही छोटा था, फिर इसको रिटर्न में भी नहीं कर सकते कितने, क्योंकि इसमें रिटर्न में दिया ही नहीं था, तो फिर अब हमने सोचा चलो बना रहने देते हैं, क्या करेंगे जब रिटर्न होगा नहीं, तो इसको फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये है, अब देखो लगा तो दिया है, चलता है कि नहीं,
इसका ये ग्लास बहुत ही ये छोटा है गमला, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर फिर ये हम गद्दा वगैरह सब ठीक कर रहे थे, और मैं शादी की थोड़ी सी पिक्चर लगा दूंगी क्लिप, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं किया था, वहाँ पर डांस वगैरह हो रहा था तो वही हमने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। और मैं नहीं डांस की थी क्योंकि मेरे गांव के सभी लोग थे बहुत, तो इस वजह से मैंने डांस वगैरह नहीं किया था। और ये है चादर वगैरह ठीक कर देंगे, इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाएंगे और इस ब्लॉग का भी यहीं पे करेंगे एंड। तो आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, वैसा ही कमेंट में बताना, और जो न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर प्लीज़, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से ही हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है।